माका चौथा भोसड़ी वाला तुमसे ना हो पाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेटिस्फायर गेमर। और आज हम लोग खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड विद एडम। और इसमें हम लोग एक और चैलेंज कर रहे हैं, अगर मतलब दो चैलेंज कर रहे हैं। एक है बैटल रॉयल मोड में एआर गन चैलेंज, और दूसरा है क्लैश स्क्वाड मोड में एआर गन चैलेंज। तो देखते हैं एआर गन चैलेंज कर पाते हैं कि नहीं। तो पहले तो बैटल रॉयल में ट्राई करेंगे, और अपना फेवरेट घर इधर है, और सामने वाला घर में एक बंदा उतर है। तो इस वाला घर में क्या एआर एमओ और मेरा हेलमेट गन मिल जाओ, फिर जाएंगे उस पर। ग्लू वाल मिला है। और इंट्रो कैसा लगा बिल्कुल से बताना, और अगर इसी को परमानेंट बनाना है तो एक बार कमेंट कर देना, प्लीज़ से कमेंट कर देना। और इसी का कमेंट करना कि ये वाला इंट्रो कोई परमानेंट बनाओ, कि दूसरा और एक इंट्रो लाओ सामने। ओके, तो प्लाज्मा मिला है, आप चलते हैं उस पर, चढ़ जाएंगे उस पर एकदम। सामने वाले घर में बंदा, तो साउंड देना पड़ेगा ना, थोड़ा आ रही है उसकी मौत आ रही है, बताना तो पड़ेगा ही। नीचे में देख लेता है, अगर कुछ मिल गया अच्छा तो एक ही बार घुस जाएंगे। फिर वो क्या था, एक मेरा फेवरेट तो नहीं है वैसे, फिर भी फेवरेट बोलने से ना एकदम से ओपी से वो आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे वो रहा भागा, तो उसी तरफ जाएगा जहाँ से मैं आया था। ये देखो लैग मार रहा है। हाँ चलो हो गया, वाह। आजकल बाउंटी टोकन में निकलता ही नहीं है कोई गन, पहले प्लाज्मा भी निकलता था, अब तो प्लाज्मा भी नहीं निकलता। खैर क्या ही बोल सकते हैं, इस घर ही में लूटना पड़ेगा ऊपर में। सो उम्मीद तो है नहीं कि कुछ छोड़ा होगा बंदे में, अगर कुछ भी छोड़ा होगा तो वही उठा लेंगे बस, और क्या। और किसी ने मुझसे कल डीजे आलोक मांगा था, तो भाई मेरे जो कल का वीडियो डाला था मैंने क्रोनो के साथ गेम प्ले, मेरी बात सुनो वाला, उसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना प्लीज़ ज़रूर से, ठीक है। अबाउट मी सेक्शन में लिखा होगा मेरे बारे में, पढ़ लेना, बस पढ़ लेना बस एक बार, फिर पता चल जाएगा। उसके बाद गन तो मिला नहीं है, वो सामने शायद से बंदा था, पता नहीं मेरा वहम था क्या था, बंदा तो नहीं होगा शायद से। और ईपी हमेशा बढ़ा के रखो, ईपी मतलब मेरे को ईपी चाहिए ही चाहिए, 1% भी क्यों ना हो ईपी तो चाहिए, मतलब मेरी की परेशानी पता नहीं क्या है, मेरे को ईपी चाहिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कल से बस 3 सब्सक्राइबर प्लस हुए हैं, 3, तो वो सब्सक्राइबर भी देख के बहुत खुशी हुआ, दिल से खुशी हुआ, और बस खुशी हुआ खुश, मतलब 1,00,000 की पार्टी दे दी दोस्तों को, और क्या चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, बस मेरे को खुशी हुई इतना ही। वैसे ही रोज़ 3 सब्सक्राइबर प्लस होते रहेंगे तब सोचो कितना बड़ा हो जाएगा हमारा फैमिली। तो आगे चलते हैं, क्लॉक टावर हॉटस्पॉट था, तो वहीं पे सारे बंदे उतरे होंगे और वहीं पे होंगे सब, तो उधर ही को जाएंगे। और कल जो मैंने आप लोगों को बोला सेवेज गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना, तो आज भी बोल रहा हूँ कर लो सेवेज गेमिंग को सब्सक्राइब, और उसका लिंक, उसके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठंडी से ज़ुबान भी फिसल रही है। और इंट्रो कैसा लगता है मेरा बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो उसके चैनल को भी, मेरे को भी बस। और इस सीज़न में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आने वाला है, रैंक पुश टू हीरोइक। और इस बार रैंक पुश मैंने नहीं किया था, मतलब डायमंड 3 तक गया था, उसके बाद सोचा कि ये नया सीज़न तो आने ही वाला है, अभी December 1 तक मैं Diamond 3 तक गया था, फिर सोचा हीरोइक जाऊँ, लेकिन वैसे तो जा ही नहीं पाता, ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ, मगर फिर भी इस सीज़न में तो ट्राई करूँगा। और गेम प्ले भी आएगा रैंक का 2-3 बस, उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी तो यही क्लासिक का गेम प्ले आएगा। और क्लासिक में भी मतलब अगर तुम लोग पहले मतलब गेम खोलने के साथ ही साथ क्लासिक में स्टार्ट करोगे तो अच्छे बंदे आएंगे, मतलब ओपी टाइप, और अगर 3-4 मैच अगर तुम उतरते साथ ही हार जाते तो फिर जाके बॉट आएंगे,
तो क्लासिक भी उतना बुरा नहीं है, सिर्फ बॉट ही नहीं रहते उसमें, रियल प्लेयर भी रहते हैं तो और क्या। मगर रैंक खेलने का भी एक अलग ही मजा है, उसका भी गेम प्ले कल आएगा, रैंक का गेम प्ले कल आएगा। और सामने में क्लॉक टावर के साइड में बंदे हैं, दो तीन या फिर दो तीन स्क्वाड पता नहीं मुझको, जाना तो पड़ेगा ही, भले ही हाथ में दो एआर गन क्यों ना हो, क्योंकि एआर गन चैलेंज ही है। इसका रेंज भी नहीं, हाँ इसका रेंज भी नहीं है मेरे पास, मतलब ये क्या नाम है उसका, एम के जो भी नाम है इसका, इसका रेंज नहीं है मेरे पास, रेंज होता तो एक अलग ही होता। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे को भी और उसको भी, सेवेज गेमिंग। और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ जाओ, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को, उस पर आ जाओ डिस्कॉर्ड पे। और डिस्कॉर्ड पे मैं रहूँगा कितना, 2 से 3 बजे तक बस, डिस्कॉर्ड में 2 से 3 बजे तक, इतने में अगर तुमको मेरे से बात करना है जो भी करना है बस डिस्कॉर्ड में आ जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और लाइक नहीं करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब करो, मगर कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, कमेंट ज़रूर करना, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और रिप्लाई देने में भी अच्छा लगता है, और कमेंट पढ़ने में एक अलग से ही खुशी आती है। ओ इसका रेंज है मेरे पास, मैं भी एक अलग ही नौटंकी है फिर भी बोल रहा नहीं है, तो कमेंट करो ज़रूर से। और ये उसके आगे का गेम प्ले दिखाने का ज़रूरत नहीं है, उस पर एक बहुत ही मज़ेदार बुइया था, ये रहा क्लैश स्क्वाड वाला, तो उस वाला मैच का टेंशन मत लो, उसमें बुइया था, ये रहा क्लैश स्क्वाड का वो एयर गन वाला चैलेंज। तो पहला तो पिस्टल राउंड है, पिस्टल राउंड से खेलना पड़ेगा, तो ट्राई तो करना ही है कि 0-4 से हराना होगा, 0-4 से, और अगर 0-4 से हरा दिया तब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट चारों चीज़ करना पड़ेगा। और वीडियो बनाने में जो है वो सही में बहुत मेहनत लगता है, लास्ट में उसका क्लिप देख लेना। और क्या मैं बोल रहा था, मैं आउट्रो भी एक बनाऊंगा ओपी सा, और आउट्रो भी मैं बनाऊंगा देख लेना। ये देखो उसको वन टैप लगा, देखो नॉक में भी हेड लगा उसको, और मेरा आउट्रो जब देखोगे तब अलग ही मज़ा आएगा। और कमेंट करो यार, वो इंट्रो को परमानेंट रखो के नया दूसरा बनाओ, कमेंट करो। वो रहा यार, मेरे को ही मार रहा है वो, लग है या नहीं लग रहा है, कोई नहीं। और इससे पहले मेरा एक सीन हुआ है, अभी इस गेम प्ले से पहले मैं एक और, मतलब मैं दो फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ, मतलब एक में गेम खेलता हूँ एक में एडिटिंग करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो सारे क्लिप में से मैंने इस बार क्या किया, जो बेकार वाला क्लिप था उसको डिलीट नहीं किया, बल्कि सारा का सारा इस एडिटिंग करने वाले फ़ोन में डाल दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जो हार गया था मैं क्लैश स्क्वाड का गेम प्ले एआर गन चैलेंज में, उस गेम प्ले को मैंने सटा दिया इसमें, और उसके साथ ही ये वाला जो अभी मैं खेल रहा हूँ इसमें बुइया है, ये वाला गेम प्ले भी मैंने एक साथ सटा दिया। तो मैं उसमें कमेंट ही कर रहा हूँ, फिर मैं अचानक से देख रहा हूँ कि मैंने उसमें रिकॉर्डिंग बंद कर दिया और ये वाला गेम प्ले अचानक से शुरू होता है, फिर मेरे को पता साला मेरा तो कट चुका है। और इन सब के बाद तो मेरा एक ही सहारा था, लाल हार्पिक, जो मतलब लाल हार्पिक जब तक पेट में नहीं जाता तब तक शांति नहीं मिलता। और बहुत ही बुरा लगा यार, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, मैं पिछले एक घंटे से उसमें कमेंट्री कर रहा हूँ, वॉइस ओवर दे रहा हूँ, और अचानक से पता चलता है वो गेम प्ले मेरा ओरिजिनल गेम प्ले था ही नहीं, कैसा लगेगा यार। कोई नहीं, इस वाले गेम प्ले को देखो, अगर मतलब तुम लोग देख रहे हो तो मतलब वीडियो में मज़ा ही आ रहा होगा, शॉर्ट लग रहा होगा वीडियो, मगर मेरे लिए इतना लंबा हो गया ना वीडियो, मतलब दो एक घंटे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर अब एक घंटा इसमें भी लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो वो देखो उसको नॉक किया, गेम प्ले में फोकस करते हैं, उसको नॉक कर दिया, वो नीचे चला गया साले को, छोड़ेंगे तो नहीं, इसमें ही सबको काट डालना ही है। और जो मेरा कटा है, और हार्पिक से जो मुझको शांति मिलेगी, और हार्पिक खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो और क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि यूट्यूब को पैसे से थोड़ा मतलब हार्पिक तो खरीद सकूँ ना उसके लिए। और किल चोरी बड़ी ऊपरी तरीके से हो रहा है अपना, यहाँ पर एक ही किल मिला शायद से मेरे को इस राउंड में, डीगल मिला है, चलो इसमें क्या है G18, इसमें क्या है ग्लू भी उसने ले लिया यार। और इस वाले गेम प्ले में पूरा अच्छे से यार, मतलब शुद्ध देसी AR
देसी नहीं, मतलब एकदम शुद्ध फ्रेश एआर गन चैलेंज करूँगा, कोई भी दूसरा गन नहीं चलाऊँगा। तो और क्या, अबे यार मोबाइल प्लेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेटिंग खुल जाता है बार बार। किल, आकाश वे MVP। अपन लोग तो अपन लोग का नाम MVP में आया ही नहीं, तो डबल AR गन में अब है अपन लोग के पास एक है, तो डबल AR गन हो गया। और अपनी सेंसिटिविटी को डबल कैसे करें, और अपना जो कंट्रोल है जिस जहाँ मतलब आप एंगल लेफ्ट राइट करते हो उसको उसको कैसे करते हैं, मतलब कुछ लोग बहुत से मतलब सारे ही लोग राइट से कंट्रोल करते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं लेफ्ट से कंट्रोल करते हैं सेंसिटिविटी टाइप चीज़ को। तो उसका हैंड कैम लाओ कि ना लाओ कमेंट करो, और कमेंट कुछ भी करो, कुछ भी कमेंट करो, अच्छे से करो, करो बस कमेंट करो यार, अच्छा लगता है यार, सही में अच्छा लगता है। और ऐसे कमेंट मत किया करो, डीजा लोग दे दो, डीजा लोग दे दो, डीजा लोग मांगने से पहले डिस्क्रिप्शन में मेरा जो अबाउट मी मैं लिखता हूँ वो चेक कर लो पहले। अबे यार इन्हें कर दिया, तो जो मैं अबाउट मी लिखता हूँ उसको चेक करो, उसके बाद मुझसे मांगो कुछ। तो अबाउट मी पढ़ो, डिस्क्लेमर पढ़ो, सब पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में भी मज़ा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और ये वाला मैच शायद से, ये वाला राउंड शायद से हाथ से गया, तो इस राउंड को काट दूंगा मैं, मतलब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मगर मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मुझको और कुछ बोलना नहीं है इतना, जो मतलब बेकार मेरा टाइम कटा है एकदम। तो सीधे लास्ट वाले सीन में ले चलता हूँ इसमें, और इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा सीन काटा है, तो और मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसमें। और ये तो विक्ट्री कर दिया इसने, मतलब मज़े से विक्ट्री किया उसने, और यार उसके लिए अभी तक बुरा लग रहा है मुझको जो मेरा कट गया ना उसमें। और मुझको मन कर रहा है कि सीधे एक्शन सीन्स में ही ले जाओ जो, अब यार परचेस हो, हाँ अब जाके परचेस हुआ, मेरा मन कर रहा है ना सीधे जो वो होता है ना एकदम लास्ट वाले सीन में, मतलब जहाँ पे फाइट होता है उस वाले सीन में ले जाओ एक बार। लेकिन फिर भी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, वीडियो का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक मतलब आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा और मुझको जो व्यू का टाइम मिलता है वो मुझको मिलेगा। और क्या, तो जब भी आप लोग क्लॉक टावर में आ रहे हैं तो पहले नेट करो, पहले सबसे पहले नेट करो, और सीधे मत घुसो, सीधे अगर घुसोगे तो जितने जोश से घुसोगे वो सामने वाला आपको सामने से ही बजा के रख देगा, तो जितने जोश से जाओगे उतने जोश से ही आपका रेप होगा और आप वापस आओगे। तो सीधे मत घुसो, एक नेट कर दो उसके बाद जाओ। और अभी अपन आप लोग को दिखाएगा एक टिप्स एंड ट्रिक्स। ये है कि इस घर के छत के ऊपर, वैसे तो सबको ही पता है, सबको ही पता ही होगा, और देखो बंदा इस छत के ऊपर ऐसे उठता है, मगर ये एक कोना है जहाँ पे आप कवर ले सकते हो लेफ्ट से भी राइट से भी, इधर में कोने में, और उधर नीचे में साले सारे मेरे टीममेट ही ख़त्म कर देंगे, मैं किसको ख़त्म करूँगा फिर। सबको मत मारो यार, वो देखो एक बंदा भागा। अबे यार मेरे को नीचे जाना पड़ेगा क्या, मन तो कर रहा है जाने को मेरे को भी, मगर कोई कैरेक्टर एबिलिटी है नहीं, मगर फिर भी जाना पड़ेगा चलो। और अबे पीछे से क्यों मार रहा है, कोई नहीं रिवाइव तो दिया, अभी अपन लोग उसको मारेगा। अरे और बस भैया हो गया, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो बस। और कल जो मैंने सेवेज गेमिंग के बारे में उसको सब्सक्राइब को बोला था, और मेरे चैनल में क्या मिला मुझको, 14 सब्सक्राइबर, उसको 40 सब्सक्राइबर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, खत्म बहन जो जिंदगी खत्म।